हेलो गाइस, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है धीरेन्द्र कुमार और आप देख रहे हैं प्लेबुड यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन जैम सर्वर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, उसके लिए हमें इस वेबसाइट पे आना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे विंडोज़ के लिए ये डाउनलोड करूँगा मैं, विंडोज़ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जाने के बाद डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है, ये डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप से रन करेंगे, बट मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, रन भी कर चुका हूँ, तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। राइट, सो अब मैं निकल एग्जाम्स करके फोल्डर है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें आना होगा HT Docs में हमें एक फोल्डर बनाना होगा, डायरेक्टरी फोल्डर भी बोलते हैं उसे। और जो भी वेबसाइट हमें बनाना है या जो प्रोजेक्ट बनाना है उसका फोल्डर बनाना होगा। मैं सिंपल एक वेबसाइट बनाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर बनाने से पहले मुझे वर्डप्रेस रन करना है। राइट, हमने ये डाउनलोड कर लिया, अभी तक डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉल करने के बाद हमारा टॉपिक है हाउ टू रन वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट। ओके, मतलब वर्डप्रेस लोकल होस्ट पे कैसे रन करें। राइट, उसके लिए यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस जो मैंने पहले wordpress.org साइट से डाउनलोड कर रखा है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ओके गाइस, तो अभी वो फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। वो फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ओके गाइस, ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया। राइट, अब उस फोल्डर को हमें यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है या कट भी कर सकते हैं आप। कॉपी करने के बाद HT Docs में आना है। HT Docs में आने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट हमें पेस्ट कर देना है। ये फाइल यहाँ पे पेस्ट हो गया। राइट, अब इसको हम रीनेम करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट देना है हमें, जो भी वेबसाइट बना रहे हैं उसका नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि मैं इसका नाम रख देता हूँ GOVT Jobs। राइट, अब ये नाम देने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि जो एग्ज़ाम सर्वर इंस्टॉल किया था वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे एग्जाम सर्वर का सर्च करते हैं, एक मिनट, एग्जाम कंट्रोल पैनल ओपन होगा। राइट, कंट्रोल पैनल ओपन हो करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट करना है। आप ऐसे स्टार्ट कर देना है, उसके बाद MySQL राइट अलाउ कर देना है। हमें नेट ऑन है, मैं इसको डिसकनेक्ट कर दूँ वाईफाई। बार ये भी होता है कि NADS और Skype एंड एग्जाम सर्वर तीनों पोर्ट 80 यूज़ करती हैं, तो वहाँ पे जब इंस्टॉल करेंगे या तो Skype आपका काम करना बंद कर देगा, या फिर NADS काम करना बंद कर देगा, या फिर एग्जाम सर्वर काम करना बंद कर देगा। उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पे आ सकते हैं कॉन्फ़िग httdp.config फाइल पे क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल एफ पे क्लिक करिए, यहाँ पे 80 टाइप कर सर्च कर दीजिए। नीचे आप देख रहे हैं एसएन 8080, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पोर्ट 8080 कर दिया तो ये लोकल होस्ट काम करना स्टार्ट हो गया। ओके, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया मैंने। अब आना है हमें अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा था, ये मैंने यहाँ से wordpress.org से मैंने डाउनलोड कर रखा है वर्डप्रेस, जो मैंने आपको वहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट किया था, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे localhost.8080 सर्च करने आपको ये मिलेगा, और मैं अपना फोल्डर भी सर्च करना है हमें, तो localhost 8080 & /govt jobs
जो हमारा फोल्डर है वहाँ पे टाइप करके सर्च करना है। राइट, टाइप करके सर्च करने पे ऐसा आया। क्यों आया ये? क्योंकि वो फोल्डर के अंदर का जो फाइल है हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। राइट, अब एक मिनट मैं वहाँ पे चलता हूँ। ये साइड यहाँ से ये पूरा कंट्रोल एक्स दबाइए और एक फोल्डर आप बाहर आ जाइए और यहाँ आने के बाद कंट्रोल ए कंट्रोल बी कर दीजिए। राइट, ये वर्डप्रेस का फोल्डर डिलीट कर दीजिए। हो गया आपका। अब यहाँ से आ जाते हैं हम अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आने के बाद रिफ्रेश कर दीजिए पेज। पेज जब रिफ्रेश कर देंगे तो ये इंस्टॉल होने के लिए बोलेगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। आ गया यहाँ पे। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के लिए बोलेगा। इससे पहले हमें डेटाबेस भी क्रिएट करना है जो हमने नहीं किया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पीएचपी माय एडमिन पे। पीएचपी माय एडमिन पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे डेटाबेस। डेटाबेस पे आने के बाद यहाँ पे डेटाबेस नाम देना है जो कि हम जो यहाँ पे साइट बनाए थे, सॉरी सी ड्राइव एग्ज़ाम, उसके बाद एच टी डॉक्स के अंदर हम कौन सा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, ये गवर्नमेंट जॉब्स, यहाँ पे जाना है, रीनेम किया मैंने और यहाँ से कॉपी कर लिया। ये फोल्डर का नाम मैंने कॉपी किया है जो मैं यहाँ पे डालूँगा डेटाबेस के नाम में। ठीक, डालने के बाद मैं क्रिएट कर दूँगा, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। डेटाबेस क्रिएट हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जैसे पहले नहीं था गवर्नमेंट जॉब्स के नाम से। राइट, अब डेटाबेस क्रिएट होने के बाद अब आ जाएंगे हम अपनी साइट पे। अब यहाँ पे लिखा है लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस नाम में जो हमारा वहाँ पे लोकल होस्ट जो वेबसाइट बनाया था लोकल होस्ट में सी ड्राइव में वो यहाँ पे डाल देना है हमें। यूजर नेम में यूजर नेम क्या रखना है हमें, यहाँ पे हमें वेबसाइट का नाम देना है डेटाबेस नेम में जो हम वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। राइट, यूजर नेम में हमें रूट टाइप करना है, ROOT रूट। राइट, पासवर्ड हमें यहाँ पे देना नहीं है और डेटाबेस में डेटाबेस होस्ट में लोकल होस्ट ही रहेगा और टेबल प्रीफिक्स में WP रहेगा। अब हमें सबमिट कर देना है, सबमिट पे क्लिक करना है, रन द इंस्टॉलेशन। राइट, अब यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। साइट का नाम हमें देना है जो हमने दे रखा था, यूजर नेम एडमिन ही रखेंगे, पासवर्ड रख लेते हैं एडमिन, डज नॉट मैटर, कन्फर्म पासवर्ड कन्फर्म है कि हमने भीग पासवर्ड रखा है। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लेते हैं। ओके, ईमेल आईडी डाल लिया और यहाँ से ये बोलता है कि सर्च इंजन विजिबिलिटी, अगर यहाँ पे हम कर देंगे डिस्क्रेस चेकआउट कर देंगे चेकबॉक्स में तो ये इंडेक्स नहीं होगी साइट, बाकी तो लोकल होस्ट पर इंस्टॉल कर ही रहे हैं यार। इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो गया, ऑलरेडी इंस्टॉल। अब लॉगिन पे जाना है। यह खुल गया हमारे सामने डैशबोर्ड और देखते हैं होम पेज कैसा लगेगा हमारा। ये रहा हमारा होम पेज। राइट, जो हम वेबसाइट डोमेन पे इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस सेम वैसे ही है यहाँ पे भी। प्लीज़
लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।